हेलो दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप गूगल पे बिजनेस अकाउंट कैसे बना सकते हैं। देखिए गूगल पे बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए आप सभी को दो चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे फर्स्ट में आपका पैन कार्ड एंड सेकेंड में आपका बैंक अकाउंट। अगर आपके पास ये दोनों चीज है तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी तरीके से गूगल पे बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। तो बिजनेस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप सभी को करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाकर आपको गूगल पे बिजनेस जो एप्लीकेशन है उसको दोस्तों इंस्टॉल कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जीमेल आईडी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जीमेल आईडी सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने एक और नया पेज होगा जो कि देख सकते हो इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है, बिजनेस, ठीक है, यानी कि तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कर देना है, इस पे आपको सबसे फर्स्ट वाला पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक और नया पेज ऑप्शन आएंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर का, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। मैं अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर क्या करता हूँ, यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या कर देना है कि अपने मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको क्या करना है कि फिल करना है। और फिल करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक और नया पेज आएगा जो कि मैं अभी आप लोग को दिखाने वाला हूँ। मेरे पास ओटीपी आ रहा है, देखिए मेरा ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि कुछ नहीं करना है, ओटीपी ऑटोमेटिक से वेरीफाई हो जाएगा। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्टर बिजनेस नेम, यानी कि आपका यहाँ पे बिजनेस नेम पूछा जा रहा है कि आखिर आपका जो शॉप है, जो दुकान है, वो क्या चीज का है, ठीक है, आप क्या चीज नाम से बनाए हो। एंड मतलब आप अपना दुकान का नाम यहाँ पे डालना, सीधा सीधा मैं आपको बोल दूँ अपना दुकान का नाम डालना। जैसे मैं यहाँ पे दुकान का नाम डाल दे रहा हूँ, कुछ भी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, फीड फूड, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे डाल दे रहा हूँ मैं अपना दुकान का नाम, कुछ भी यहाँ पे मैं अपना एक दुकान का नाम रख दे रहा हूँ, फीड फूड, ठीक है। इतना रखने के बाद आपको अपना दुकान का नाम रखना है, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने एक और नया पेज आएगा जो कि यहाँ पे देख सकते हो बिजनेस नेम ऑनर, ठीक है। यहाँ पे आप मतलब दुकान का ऑनर का नाम डालना है, जो दुकान का मालिक है उसका नाम डालना है। तो अगर आप स्वयं हो दुकानदार का मालिक तो अपना नेम यहाँ पे क्या कर दीजिएगा कि यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है कि अपना नेम यहाँ पे डाल देना है, दुकानदार का जो ऑनर है। इसके बाद कंटिन्यू कर देना। फिर आपके सामने यहाँ पे टाइप ऑफ बिजनेस, यहाँ पे टाइप चूज करना है, ठीक है। जैसे कि दुकान में क्या है कि आप यहाँ पे दुकान जो आपका है वो पार्टनरशिप पे है, या दोस्तों आपका पर्सनलशिप है, या मतलब क्या बोलते हैं फैमिली वाला है, या दोस्तों प्राइवेट, मतलब जो भी है, मतलब आपके अगर पार्टनरशिप है, आप अपना खुद का है, सिंपली आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको कंटिन्यू कर देना। जैसे कंटिन्यू करते हो फिर आपके सामने एक और नया पेज ओपन आएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, कैटेगरी चूज करना है बिजनेस के लिए, मतलब आपका बिजनेस क्या चीज का है। मतलब यहाँ पे देख सकते हो फास्ट फूड का, या यहाँ पे मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे मतलब आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपका बिजनेस है। फाइनली दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने बिजनेस का कैटेगरी चूज करना है। जैसे कि मेरा बिजनेस का नाम था फूड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फूड वाले पे क्लिक करके एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ फास्ट फूड, ठीक है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आपका जो भी होगा सारा चीज यहाँ पे मोमोज वगैरह मतलब यहाँ पे देखने को मिलेगा, कैफी, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा, मेरा फास्ट फूड है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। फिर दोस्तों आपके सामने एक और नया पेज ओपन होगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपको सारा चीज आपको डिटेल डालना है, अपने गांव का लोकेशन डालना है, मतलब आपका कहाँ पे दुकान है, एंड पिन कोड डालना है, अपना शॉप का यहाँ पे नेम डालना है, एंड दोस्तों यहाँ पे आपका रोड वगैरह डालना है, जो भी मतलब आप डालना चाहते हो, स्टेट डालना है, सिटी डालना है, सारा चीज आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर नीचे में आपको देखने को मिलेगा लोकेशन, आपको करेक्ट लोकेशन अगर तो सिंपली आप यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हो। सारा चीज फिल करने के बाद, ऐड करने के बाद आपको नीचे सेलेक्ट का बटन आएगा, इस पे क्लिक करना है, फिर आपको कंटिन्यू कर देना है। आपके सामने एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो जहाँ पे दुकान है अगर लोकेशन यानी गूगल पे डालना तो सिंपली आप यहाँ से डाल सकते हो, लेकिन मैं डालना नहीं चाहता, ठीक है, इसके लिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। फिर आपके सामने यहाँ पे पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि दो चीज की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट, आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। तो आपको यहाँ पे डालना है, यहाँ पे पैन कार्ड का फोटो क्लिक करना है एंड पैन कार्ड नंबर डालना है, ये दो चीज करना है, नीचे वाला को छोड़ देना है, ये दो चीज को आपको फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे पैन कार्ड ऐड करते ही दोस्तों आपके सामने ऑटोमेटिक से नीचे में जो आपका पैन नंबर है यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड का डालने के बाद आपको यहाँ कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका पैन कार्ड है वो यहाँ पे वेरीफाई लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है, ज्यादा देर तक नहीं करना, मतलब थोड़ा सा आपको वेट करना है। जैसे ही आपका पैन कार्ड वेरीफाई होता है दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि आप अपना बैंक चूज कीजिए, आपका कौन सा बैंक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपका बैंक है यहाँ पे आप अपना बैंक को क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे अपना बैंक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका बैंक होगा। फिर आपको यहाँ पे क्या कर देना है कि आपका जो बैंक होगा कहाँ पे है, ठीक है, ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है।
ताकि आपका जो IFSC कोड है वो फाइनली यहाँ पे सक्सेसफुल हो सके। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर आपके सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा इंटर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। अकाउंट नंबर फिल करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे फाइंड बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपका ऑटोमेटिक से यहाँ पे बैंक जो है वो फाइंड करेगा। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपके सामने यहाँ पे एक और नया ऑप्शन आएंगे जो कि आपको उसको भी फिल करना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे बैंक क्या हो चुका है, कंफर्म आ चुका है, मेरा नाम आ चुका है एंड मेरा अकाउंट यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे शो करने लगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे कंफर्म पर क्लिक करते हो तो दोस्तों आपके सामने फिर से एक और ऑप्शन आएंगे, तो आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो कि सारा चीज आपका यहाँ पे लोकेशन शो होने लगा, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। फाइनल दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कर देना है कि आपको यहाँ पे क्या कर देना है, क्रिएट ए बिजनेस प्रोफेशनल यहाँ पे प्रोफाइल पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक और ऑप्शन आएंगे, इसको भी आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। आप यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज आपको शो करेगा, आप चेक कर लीजिए अच्छी तरीके से। चेक करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। फिर आपके सामने देखिएगा कि जो आपका बिजनेस अकाउंट है वो फाइनली यहाँ पे गूगल पे का बिजनेस अकाउंट सफलतापूर्वक यहाँ से आपका बनकर रेडी हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से आपको ओपन करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे योर बिजनेस अंडर रिव्यू, यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि मेरा जो बिजनेस अकाउंट है वो यहाँ पे अभी रिव्यू में है, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्या हो चुका है, रिव्यू में है। यहाँ पे देख सकते हो रिव्यू मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे अगर यहाँ से पैसा भी आप लोग कमा सकते हो अगर आप किसी को इन्वाइट करते हो। यहाँ पे देख सकते हो तो दोस्तों 1 रुपया आपको इन्वाइट करने पर मिलेगा, बहुत सारे पैसा कमा सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ से QR कोड को स्कैनर से मतलब आप ऑर्डर कर सकते हो। QR कोड आप देखते हो दुकान में लगा हुआ रहता है सबके, तो दोस्तों आप बिल्कुल फ्री में ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर नाउ आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए कि यहाँ पे डिलीवरी चार्ज जो आपका डिलीवरी हुआ है वो आपको खुद QR कोड भेजेगा, ठीक है। और QR कोड यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल फ्री है, आपको 1 रुपया नहीं देना है। QR कोड को बिल्कुल फ्री में ऑर्डर कर सकते हो। ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कंफर्म डिलीवरी एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। और जो यहाँ गूगल पे का जो बिजनेस है जो मतलब इसका अति है वो क्या करेगा कि आपके पास QR कोड घर पे भेज देगा, ठीक है। मैं अभी ऑर्डर नहीं करना चाहता। दोस्तों आप इसी तरीके से क्या कर सकते हो कि गूगल पे बिजनेस अकाउंट बना सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोग को सारा चीज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। सारा चीज दोस्तों मैं आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से बताया हूँ, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए एंड अगर आप चाहते हो कि और ज्यादा कुछ जानकारी लेना तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।